नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म का विषय जितना गंभीर है, इसका ट्रीटमेंट उतना ही हंसने और हंसाने वाला है। इस फिल्म का लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। ये फिल्म सोशल टैबू पर आधारित है और इस फिल्म को जय बसंतु सिंह ने निर्देशित किया है। इस फिल्म की स्टोरी राज शांडिल्य, जय बसंतु सिंह, राजन अग्रवाल और सोनाली सिंह ने मिलकर लिखा है। राज शांडिल्य ने 2019 में एक फिल्म बनाई थी ड्रीम गर्ल, जिसमें लीड में आयुष्मान खुराना थे। उनके साथ नुसरत भरूचा थी। वो फिल्म काफ़ी अच्छी रही थी और ये फिल्म यानी जनहित में जारी भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट की बात करती है। तो करेंगे फिल्म का रिव्यू, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। पेंडेमिक के बाद बॉक्स ऑफिस पर रिलीज फिल्मों में एंटरटेनमेंट ही हावी नजर आया है, लेकिन इस शुक्रवार रिलीज हुई फिल्म जनहित में जारी एंटरटेनमेंट और मैसेज दोनों खुद में लिए हैं। कहानी सेट है मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर चंदेरी की। चंदेरी की रहने वाली लड़की मनु यानी नुसरत भरूचा है, जिसे शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है, मतलब आत्मनिर्भर बनना है। नुसरत ने मनोकामना नाम का कैरेक्टर प्ले किया है। मनोकामना उर्फ मनु स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप लड़की है, जैसा महसूस करती है बोल डालती है। जॉब करना चाहती है, खुद से पैसे कमाना चाहती है, लेकिन उसके घर वालों के चाहते हैं कि बेटी की पहली फुर्सत में शादी हो जाए, लेकिन मनु जॉब करके खुद को मजबूत बनाना चाहती है। तो घर वाले उसे एक महीने की मोहलत देते हैं, अगर तब तक नौकरी नहीं मिली तो फिर उसे शादी करनी पड़ेगी। नौकरी मिलना आसान नहीं है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे एक कॉन्डम बेचने वाली कंपनी में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करने लगती है। एक लड़की कॉन्डम बेचेगी, ये आइडिया पहले उसे हैरान करता है, चौंकाता है और फिर यही रिएक्शन बाहर वालों का होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपनी जॉब और अपनी शादी में से किसी एक को चुनने की नौबत आती है, पर वो अपनी जॉब को चुनती है। क्यों? उसकी शादी का क्या होगा? क्या मनु रूढ़िवादी समाज और ससुराल वालों की सोच को बदल पाएगी? यही दिखाती है, यही इस फिल्म की स्टोरी है। अब मनु को दुनियादारी की छोटी सोच से लड़ने के साथ साथ एक और वजह तलाशनी है कि वो कॉन्डम क्यों बेचना चाहती है। यहाँ देखकर लगता है कि फिल्म ने ड्रीम गर्ल से सबक लिया है, जहाँ कहानी को समेटने के लिए मेन कैरेक्टर सबके सामने आकर एक लंबा सा मोनोलॉग दे दिया था। अच्छी नौकरी के साथ मनोकामना को अच्छा पति भी मिल जाता है, लेकिन ससुराल वाले इस बात से अनजान है कि उनकी बहू एक कॉन्डम बेचने वाली कंपनी में काम करती है। लेकिन जब बहू की नौकरी के बारे में घर वालों को पता चलता है तो हाहाकार मच जाता है। फिर भी वो पीछे नहीं हटती है और सेफ सेक्स के लिए मर्दों को कॉन्डम का यूज़ करने के लिए प्रेरित करती है। क्या मनोकामना अपने मकसद में कामयाब हो पाती है? क्या उसके ससुराल वाले उसका साथ देते हैं? क्या उसके रिश्ते उसके पति के साथ बिगड़ते हैं या बनते हैं? इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फर्स्ट हाफ में इतना कुछ घटता है जो आपको एंटरटेन करता है, फिर आता है सेकेंड हाफ जो कहानी को बांध कर रखता है ताकि कंक्लूजन तक पहुंच सके। जनहित में जारी इस पूरे टेम्पलेट को फॉलो करती दिखती है, बस कुछ हल्के बदलावों के साथ। फिल्म के ह्यूमर की जिम्मेदारी इश्तियाक खान, विजय राज और सपना सैन जैसे एक्टर्स लेते हैं, फिर चाहे वो सिचुएशनल कॉमेडी हो या वन लाइनर्स। फिल्म की शुरुआती के 30 मिनट ज़बरदस्त है और इसमें नुसरत पूरी लाइमलाइट चुरा ले गई। ये फिल्म सुरक्षित सेक्स के अहम और गंभीर मुद्दे को सामने लेकर आती है। ये फिल्म आंकड़े रखती है कि भारत में हर साल कई लड़कियां गर्भपात की वजह से अपनी जान गंवा देती है। फिल्म का विषय जितना गंभीर है, इसका ट्रीटमेंट उतना ही हंसने और हंसाने वाला किया गया है। फिल्म सुरक्षित सेक्स की बात करती है। फिल्म इस बात पर भी जोर देती है कि जिस तरह से पैड खरीदना लड़कियों की ज़रूरत है, उसी तरह कॉन्डम खरीदना भी, लेकिन बिना अश्लील हुए। यही बात इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले को खास बनाती है। खामियों की बात करें तो फिल्म सेकेंड हाफ में थोड़ी स्लो हो गई। फिल्म की एडिटिंग पर थोड़ा काम कर इसे क्रिस्पी बनाया जा सकता था। इसके साथ ही अनुज सिंह ढाका का किरदार हो या विजय राज किरदार का हृदय परिवर्तन, जिस तरह के संवादों और दृश्यों की वजह से उनमें बदलाव आते हैं, वो फिल्म में उतने प्रभावी नहीं बन पाए हैं जितने की कहानी की ज़रूरत थी। आपको बता दें कि जनहित में जारी छोटे बजट की एक शानदार फिल्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट 25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और प्रमोशन और एड्स को मिला के इसका बजट 35 करोड़ रुपए माना जा रहा है।
फिल्म की कहानी भी जबरदस्त है और दर्शकों को सीट पर बांधे रख रही है। फिल्म की पंचलाइन शादीशुदा मर्दे एक फटी चड्डी की तरह होता है, जिसकी एक टांग घरवालों के अंदर और दूसरी बीवी के पास होती है। फिल्म की कहानी समाज की सच्चाई को दिखा रही है और कई सीन्स तो वैसे हैं जिसे दर्शक ठहाका लगाकर हंसने को मजबूर हो जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।